चल मैं कवर किए थे कि आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा अभी मुझे एक बार आप कंफर्म करें कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है जिन बच्चों ने अभी टेस्ट किया। गुड, ओके ओके ओके, ठीक है, राइट। देखो बच्चा पार्टी, हाँ गुड, लास्ट 7 लेक्चर में आपने ये टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पढ़ा था, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस में आपने पढ़ा था जो टॉपिक, जो रिएक्शन पढ़ लिया है। हाँ पढ़ लिया ना, तो वही मैं बोल रही हूँ, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एंट्रोपी पढ़ चुके हो, एंट्रोपी में कोई डाउट है किसी को? यस मैम, सब ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी बिल्कुल क्लियर है, एंट्रोपी चेंज ऑफ कैलकुलेशन ये क्लियर है आपका, क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? यस यस मैम, यस मैम। एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है, लिक्विड की सॉलिड की, बताइए। गैस की मैम, गैस की। ओके, और ये बच्चा पार्टी ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव, द प्रोसेस इज डेल्टा एस टोटल इज नेगेटिव, याद है मैम? याद है मुझे, याद है, वेरी गुड। तो सभी को याद है ये सारे पॉइंट्स? यस मैम, गुड, यस मैम, वेरी गुड। उसके बाद ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सभी को क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये क्लियर है? यस यस मैम, वेरी गुड, ये बात भी क्लियर है आपको। इररिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या फॉर्मूला होता है, ये सभी को क्लियर है? यस ओके, चेंज एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस, इसका फॉर्मूला सभी को क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर टू ऑल? यस मैम, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं। और आइसोबैरिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्लियर है? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा एंट्रोपी के लिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस सारे टॉपिक क्लियर है ना? यस मैम। बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, इसमें बैच में और भी बच्चे हैं, रुचि, वंशिका, ठीक है, नीलम, एनी अदर स्टूडेंट, एकता, क्योंकि सबको क्लियर होना चाहिए ना बेटा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टॉपिक क्लियर ना हो, ठीक है। और आप लोगों को ये पता है कि चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग, ठीक है, इन बोथ रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, कौन बताएगा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो? मैम क्या एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, ऑफ सराउंडिंग, ठीक है बच्चा पार्टी, इन बोथ रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगी, जीरो होगी क्या, ये पढ़ा था? यस मैम, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स किए थे लास्ट लेक्चर में, न्यूमेरिकल किए थे? ओके, तो चलिए बच्चा पार्टी हम फिर सीधे आपका स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल कर रहे हुए हैं आपने, तो चलो बच्चा पार्टी अभी फिर आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या होता है, कोई बताएगा? आप पहले से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो, जिस बच्चों ने पढ़ा है प्लीज टेल मी, मैम को आंसर करिए, प्लीज टेल मी मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीपल स्टेट, ठीक है, जैसे कि तुषार ने बोला, वेरी गुड। और एक और बात बेटा, देखो जो बच्चे मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आई रिपीट अगेन, ठीक है, कि वो बच्चे पूरा सेशन देखें, और परवीन मैम के साथ बिल्कुल फ्रेंकली आप बिहेव कर सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो इमीडिएटली पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, आपको बिल्कुल भी हेडिटेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप मैम से फ्रंकली बात कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो सब एंट्रेंस क्वालिफाइड करें, अगर मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं या 30 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं, तो माई एम इज कि वो सारे बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाइड करेंगे, और आई विल मेक श्योर कि वो 100% एंट्रेंस क्वालिफाइड करेंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे एंट्रेंस में प्रॉब्लम आने देंगी मैम, मुझ पर ट्रस्ट रखना, ठीक है। और मैं अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, आपको कभी भी न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत है, आज की स्लाइड में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताएंगे,
मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल वैसे खुद से ही कराऊंगी, लेकिन आप एक प्रॉमिस करो कि अगर आपको एंट्रेंस क्वालिफाइड करना है तो परवीन मैम का सेशन पूरा देखोगे, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, बाकी सब केमिस्ट्री का मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या ये बात, इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं? यस मैम। गुड, तो चलो बच्चा पार्टी, आप सब एग्री करते हैं आई होप मेरे साथ, नए बच्चों का सेशन भी अच्छा रहे और उनको समझ आए, तो मैं लास्ट में उनसे कन्वर्सेशन करूंगी कि आपको कैसा लगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। तो बच्चा पार्टी, हम न्यू टॉपिक में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन फेस, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, आपने परवीन मैम को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि ये सारे टॉपिक हमने मैम अच्छे से पढ़ लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रॉब्लम होगी भी तो परवीन मैम जब न्यूमेरिकल कराएंगी तो न्यूमेरिकल वो पहले से आपको हर टॉपिक को क्लियर करके ही कराएंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी अच्छा है, जिन्होंने पढ़ के भूल गए हैं वो भी अच्छा है, मैम अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगी। तो बच्चा पार्टी, एक हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, मैम ने कुछ यहाँ पे लिख दिया है कि एंट्रोपी चेंज इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चा पार्टी, कितने टाइप के फेस होते हैं बताओ जरा मैम को, हमारे आसपास या थर्मोडायनामिक के चैप्टर में? बिल्कुल तुषार, सही आंसर दिया आपने, तीन ही फेस देखने को हमें मिलते हैं मैम। थ्री थ्री, पहला फेस होता है भाई लिक्विड, दूसरा फेस होता है सॉलिड, जैसे कि ये कोई सॉलिड है मैम के हाथ में, या मान लो ये कोई सॉलिड है। अगर लिक्विड की बात करें तो इस बॉटल में जो पानी है वो लिक्विड है या फिर गैस बच्चा पार्टी? तो ये तीन सॉलिड है। अब आपने बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रखा है एंट्रोपी, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी चेंज इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन? तो हम एंट्रोपी को किस तरीके से, ठीक है, फेसेस में कन्वर्ट करते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ते हैं? तो बच्चा पार्टी, ये सब सीखने को तैयार हैं आप? यस मैम। वेरी गुड, बस बेटा परवीन मैम को एनर्जी बच्चों से मिलती है, आप ऐसे ही जोर से बोलते रहो और मैम आपको जोरों शोरों से पढ़ाती रहेंगी। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे बच्चा। तो जैसे कि व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड, ठीक है, चेंज, ठीक है बच्चा पार्टी, इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ा प्रेजेंटेशन हो जाए बेटा, प्लीज अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो खुद को, अदरवाइज मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, ठीक है ना? क्यों, गलती से हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हो जाती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो बच्चा पार्टी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दी एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बच्चा पार्टी, एनर्जी चेंज नहीं, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, कोई बताएगा मैम को? मिक्सिंग या मेल्ट होना, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे जो क्लास में आंसर करते हैं, ठीक है, तो आंसर करते रहना चाहिए, चाहे आप गलत करो चाहे सही करो, गलत करोगे तो सही परवीन मैम कर देंगी, लेकिन आंसर करना इम्पोर्टेंट है मैम जी। इसमें तो इंटरनल एनर्जी भी तो चेंज होगा। हाँ बेटा, चेंज होगा तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूजन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एंट्रोपी चेंज तो अभी हम पढ़ेंगे, एंट्रोपी चेंज तो आप पहले पढ़ के आए हो, लेकिन एंट्रोपी चेंज फ्यूजन के लिए कैसे होगा हमें वो देखना है, ठीक है मैम? ठीक है बेटा, है ना। तो देखो पहले समझो इसको, मान लो सपोज दैट आपके हाथ में ये कोई कंटेनर है और आपने इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, वन मोल सॉलिड लिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? मान लो ये परवीन मैम के हाथ में कंटेनर है और ये मैम ने ग्रीन कलर की बॉल डाल दी जो सॉलिड है, ठीक है। तो ये सॉलिड कितना है, वन मोल है। जब आप इस सॉलिड को बच्चा पार्टी
किस में कर दोगे कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, द एंथैल्पी चेंज इन फ्यूजन। क्या ये बात क्लियर है बच्चा पार्टी? उसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ या एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वन मोल ऑफ सॉलिड को वो कन्वर्ट कर रही है किसमें, मेल्ट करके लिक्विड में। तो फ्यूजन का मतलब होता है बच्चा पार्टी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, लिक्विड में। अब एंड एंट्रोपी चेंज इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो एंट्रोपी का चेंज हुआ, ठीक है, किसके लिए, इस किसके लिए, उसी को एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस मैम, है ना, तो वेरी गुड, ठीक है, सभी का आंसर मैम को मिलते रहना चाहिए। बाकी बच्चों को क्लियर है, प्लीज टेल मी, अजरा, आयुष, अंजू, ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताएं, क्योंकि नीट सबको क्वालिफाइड करना है ना, तो आंसर भी सबका आनी चाहिए, ठीक है। वंस मोर, ठीक है, एक बार और बता देती हूँ मैं दोबारा, ठीक है। देखो, ये जो वन मोल था, इस वन मोल सॉलिड को, ठीक है, मेल्ट करके लिक्विड में जो हमने कन्वर्ट किया, उसी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं एंथ्रोपी फ्यूजन का, यानी कि एंथैल्पी चेंज इज नोन एज फ्यूजन। यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज हुआ उसको आप क्या कहते हो, फ्यूजन कहते हो। तो बच्चा पार्टी, आपने यहाँ क्या किया, आपने यहाँ किया सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट। क्या ये बात सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, और बच्चा पार्टी इस साइन को पहचानते हो, आपकी ये साइन क्या कह रहा है, ये जो साइन लगाते हैं हम, इस साइन को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा परवीन मैम को कि इस साइन को क्या बोलते हैं और किससे आइडेंटिफाई करते हैं? इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये साइन किसका है, इक्विलिब्रियम का है। अब मान लो मैम के पास ये फोर बॉल्स हैं, ठीक है, तो मैम ने क्या किया, मैम को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। अब भाई मैम ने क्या किया, एक मोल रिएक्टेंट का डाल दिया, फिर मैम ने दो मोल रिएक्टेंट की डाल दिया। क्या ये दिखाई दे रहा है आपको जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। yes, अब आप देखोगे कि दो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मैम के हाथ में बचा है, ठीक है, और दो मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो बचा पार्टी, अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम है वो कैसा हो गया, बराबर नहीं हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो बचा पार्टी, जब भी कहीं आपको ये देखने के लिए मिले कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो सम है वो बराबर हो जाए, ठीक है, तब बच्चा पार्टी उस स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इसके बाद आप अगला चैप्टर पढ़ोगे इक्विलिब्रियम ही, तो बच्चा पार्टी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बचपन में पार्क में कभी आपने झूला होगा, एक झूला जिसको बोलते हैं सी सो झूला है, ठीक है, एक बच्चा ऊपर जाता है और एक नीचे आ जाता है, एक बच्चा झूला है, उसको बोलते हैं सी सो झूला। तो बच्चा पार्टी, जब वो दोनों बच्चे एक ही स्टेट पे आ जाए, स्टेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो सॉलिड से लिक्विड गए, ठीक है बच्चा पार्टी, तो एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा हमारा कि डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है, दोनों साइड सेम, बिल्कुल बिल्कुल सबनम राइट, ठीक है, फ्यूजन इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, ठीक है बच्चा पार्टी। रिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट करेंगे एमवीटी, ठीक है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड वॉल्यूम तो होता ही है, क्योंकि हम इनिशियल टू फाइनल करते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं पिछले पुराने लेक्चर्स में। तो बच्चा पार्टी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कुछ भी भूल जाओ याद रखो, अगर फ्यूजन पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये मैं प्रूफ करके बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन कैसे आता है। अब बच्चा पार्टी, यहाँ पे बात ये है कि परवीन मैम ने जो इतनी सारी चीजें लिखी, वेयर, वो है क्या आखिरकार, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं जरा। और बच्चा पार्टी, आप जानते हो Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है, यानी कि इक्वल टू होती है चेंज इन एंथैल्पी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस मैम। तो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे आप देखिए डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है, इक्वल टू है यहाँ पे बच्चा पार्टी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, और डेल्टा फ्यूजन जो है यहाँ पे बच्चा पार्टी एच, ये है आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मैम ये स्टैंडर्ड हो गई फिर तो? बिल्कुल, ठीक है, लेकिन नॉट का साइन लगाएंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगी। और बच्चा पार्टी टीएमपी क्या है,
तो टीएमपी है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये बात क्लियर है। और बचा पार्टी केल्विन को, मतलब कहीं पे अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 कर देते हो आप, तो ये बात आपको ही पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ परवीन मैम को कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में किसी को कोई डाउट है? और परवीन मैम ने इतना लंबा चौड़ा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है और याद रखने वाली बात है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट एक ही बात है याद रखने वाली, क्या? फ्यूजन का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चंस फॉर्मूले से आता है, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो नीलिमा का आंसर आ गया, नो मैम नो डाउट। तो एक बार अपनी सुरीली आवाज में प्लीज टेल मी कि बाकी सबको क्लियर है ताकि मैम आगे बढ़ सके। यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज आंसर मी कि आपने आंसर किया। आज कुछ बच्चे मैम के साथ नए जुड़े हैं और अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस आप मेरे साथ क्लास ज्वाइन करिए, रेगुलर आंसर करिए, बाकी आपकी सारी प्रॉब्लम परवीन मैम के ऊपर है, ठीक है। मैम आपकी सारी प्रॉब्लम को ले लेंगे। तो बच्चा पार्टी, तो फिर हम दूसरा पढ़ते हैं अब फ्रीजिंग, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है बताओ जरा। किसी चीज को जमाना, जमाना, बिल्कुल सही बात है भाई, किसी चीज को जमाना, फ्रिज कर देना। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग जस्ट अपोजिट नहीं हो जाएगा फ्यूजन का? यस मैम, यस मैम, क्योंकि फ्यूजन में हम कर रहे थे किससे, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे लिक्विड से लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला आ जाएगा, जब भी आपको फ्रीजिंग निकालना है तो डेल्टा एस क्वेश्चन में गिवन होगा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में से आप माइनस कर दोगे डेल्टा एस फ्यूजन को, कर सकते हैं ना, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमारा? फ्यूजन मिल जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ एंट्रोपी फ्रीजिंग आपको मिल जाएगी। अब बच्चा पार्टी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझना ध्यान से, वेपोराइजेशन। कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपोराइजेशन, क्या मीनिंग है वेपोराइजेशन का? प्लीज टेल मी, परवीन मैम को बताएं। वेपर्स का बनना, बिल्कुल सही बात है भाई, वेपर्स का बनना यानी कि पानी को धुएं में उड़ा देना, लिक्विड है ना, कोई पानी को धुएं में उड़ा देना, कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल। बच्चा पार्टी, तो देखिए जरा परवीन मैम इसको समझाती हैं आपको अपने अंदाज में, कि मान लो हमारे पास बच्चा पार्टी एक ये कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर भरा है कोई भी लिक्विड, ठीक है, राइट। तो बच्चा पार्टी, अगर कोई लिक्विड, मान लो ये लिक्विड है और कोई भी लिक्विड हो इसकी जगह पे, वो क्या कर दे अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, वन मोल लिक्विड, ठीक है, कितना मोल लिक्विड, वन मोल लिक्विड, यानी कि इसके अंदर कितना लिक्विड है, वन मोल। और बच्चा पार्टी, जब हमने न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन ये सब पढ़ा था, तो ये सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल सही शबनम, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, जो भी कुछ करेंगे वन मोल के लिए करेंगे। तो वेपोराइजेशन का भी यही मतलब है कि वन मोल ऑफ लिक्विड, अगर कोई भी लिक्विड हो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वन मोल ऑफ लिक्विड में क्या हो जाए, वेपोराइज्ड हो जाए। क्या हो जाए बच्चा पार्टी? वेपोराइज्ड हो जाए। और उस वेपोराइजेशन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस यस मैम, ठीक है। रिपीट अगेन, हमने एक कंटेनर लिया, या मान लो ये कंटेनर है और इसमें वन मोल ऑफ लिक्विड है, लेकिन इसमें तो सॉलिड है, जस्ट लाइक इमेजिनेशन की इसमें लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड को, ठीक है ना, अपने बॉइलिंग पॉइंट वन मोल ऑफ लिक्विड को वेपराइज होने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वही उसका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, वी कैन सी बड़े ही प्यार से कि हमने लिक्विड को, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया वेपर्स में, और हम नेफ्थलीन का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, बहुत सारे सॉलिड टू लिक्विड पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम सब्लिमेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन बच्चा पार्टी, क्यू रिवर्सिबल, ये हम खूबी अच्छे से पढ़ते हैं, इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वेपर्स एच अपॉन टीबीपी। तो बच्चा पार्टी, आप देख रहे हो पहला फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है,
बस यहाँ पे अंतर आया, वहां पे एमपी था और यहाँ पे क्या आ गया, बीपी आ गया, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया इसको। क्या कोई अंतर है पिछले फॉर्मूले और इसमें? तो बच्चा पार्टी, अगर आपसे कहीं पूछा जाए वेपोराइजेशन, तो बच्चा पार्टी आप इस पॉइंट को लॉक कर देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन कर देंगे। और बेटा देखो, थर्मोडायनामिक में हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ही हैं। अगर फॉर्मूले आपको याद है और उसकी पिक्चर क्लियर है, तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड बहुत टफ न्यूमेरिकल नीट के अंदर नहीं आते। और ये परवीन मैम आपको प्रूफ करके दिखाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि परवीन मैम जो पढ़ा रही हैं उसको हम प्रूफ भी करें कि मैम सही पढ़ा रही हैं कि नहीं? मैम ये कह रही हैं कि इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको प्रूफ भी करना तो बनता है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। हम उसको प्रूफ करेंगे बच्चा पार्टी किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके, यानी कि हम 10 साल के नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनसे सीखेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आया है। क्योंकि बच्चा पार्टी हमें नीट क्वालिफाइड करना है, तो हमें वही क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टॉपिक पे रिपीट भी हो जाते हैं नीट में। क्या ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस मैम। तो बच्चा पार्टी, अब हम यहाँ पे भी समझते हैं कि ये जो परवीन मैम ने कहानी लिख दी इतनी सारी, इसका मतलब क्या है। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन का मतलब है, मेरा बैग दे दो वहीं से। भाई म्यूट कर लो बच्चा पार्टी, यहाँ पे लड़ाई मत करो। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है ना, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन मेरे प्यारे बच्चों। बेटा अगर कोई कहीं जाएगा, किसी का कोई ट्यूशन है कुछ है, तो प्लीज इन्फॉर्म मी, है ना, मुझे इन्फॉर्म करके जाएंगे आप, ठीक है? ऐसे परवीन मैम की क्लास से लीव नहीं करोगे, क्योंकि जो अगर नीट करना है तो सिंसियरिटी सबसे पहला प्रायोरिटी है, और जो सिंसियरिटी नहीं रखता है वो फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? दूसरी बात, डेल्टा एस वेपर्स इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल बच्चा पार्टी वी टी, ठीक है? नहीं सॉरी, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया, जस्ट मैं ऊपर पहुंच गई, थोड़ा सा फ्लैश बैक में पहुंच गई मैम। गजनी मूवी में जैसे वो बैक में पहुंच जाता है ना, मैम भी फ्लैश बैक में पहुंच गई, ठीक है बच्चा पार्टी? गजनी मूवी देखी है? यस मैम। ठीक है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? मूवी वूवी भी देखा करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय। तो बच्चा पार्टी टीबीपी क्या है, समझ ही गए होंगे आप, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वाकई बहुत समझदार हो, तुरंत समझ जाते हो। तो बच्चा पार्टी, हमने दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए और दो फॉर्मूले हमने सीखे। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब आप तीसरा फॉर्मूला नहीं सीखना चाहोगे कि तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? ठीक है, तो बच्चा पार्टी चलो उसको भी सीखते हैं। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बताओ जरा, कंडेंसेशन का क्या मतलब है कोई बताएगा? कंडेंस करना किसी भी चीज को, ठीक है, फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चा पार्टी, ठीक है ना, तो सीधा सा एक कंसेप्ट है कि कंडेंसेशन जब भी आपको निकालना है, आप क्या कर दोगे, माइनस डेल्टा एस वेपोराइजेशन कर दोगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बड़ी छोटी सी बात हमें कंडेंसेशन के लिए ध्यान रखनी है। तो बच्चा पार्टी, ये था हमारा फेज ट्रांजिशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, परवीन मैम ने आपको ये पढ़ाया, इट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन अ सॉलिड एंड मेल्टिंग टू लिक्विड। अब बच्चा पार्टी, ऑब्वियसली बात है, जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो एंट्रोपी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी में आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो आप, तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है ना? और दूसरी बात बच्चा पार्टी, आपने एक पॉइंट और पढ़ा होगा, लो टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज्यादा होती है कंपेयर टू हाई टेम्परेचर पे, क्या ये पढ़ के आए हो आप बच्चा पार्टी? पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये सब? यस मैम। अब देखो, ये आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक, ये तो आप पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हो, सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हो ना? और वेपोराइजेशन परवीन मैम ने जस्ट आपको अभी बता दिया। तो बच्चा पार्टी, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई दिक्कत किसी को?
नो नो मैम। तो बच्चा पार्टी फिर मैं आपका एक और टॉपिक बचता है लास्ट एंट्रोपी, और आज हम उसको भी खत्म कर देते हैं, फिर हमारा थर्मोडायनामिक चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। और बच्चा पार्टी फिर हम पढ़ेंगे क्या, हम फिर पढ़ेंगे या जितनी भी लेक्चर होंगे अब उसमें करेंगे धड़ाधड़ न्यूमेरिकल। क्या इस बात से एग्री करते हो? यस मैम। क्योंकि खूब सारे न्यूमेरिकल परवीन मैम आपको कराएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब जो अगला टॉपिक है बच्चा पार्टी वो है गिब्स एनर्जी। क्या इसका नाम कुछ सुना है, गिब्स एनर्जी का ऐसा कुछ होता है क्या? गिब्स एनर्जी कुछ है क्या? बिल्कुल है। तो देखो मैम जी वरी है ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है, किसी ने कुछ बना दिया स्माइली, किसी ने कुछ ऑफकोर्स है। तो बच्चा पार्टी देखो इस गिब्स फ्री एनर्जी को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज से सम्मानित की गई थी, लेकिन इस कहानी को हम किसी और दिन सुनेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि अभी हमें सिलेबस जल्दी फास्ट खींचना है। और बच्चा पार्टी आप लोगों के यूटी भी हैं, तो उससे पहले हम अपना इक्विलिब्रियम भी शुरू करा देंगे ताकि आपके यूटी अच्छे जाएं। और जब कभी एक्स्ट्रा टाइम होगा हमारे पास, एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, तब इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चा पार्टी फिलहाल हम समझते हैं गिफ्ट एनर्जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गिफ्ट एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चा पार्टी आप एक बात बताओ, तो परवीन मैम एक डेफिनेशन लिख रही हैं यहाँ पे कि गिब्स ने क्या कहा था कि गिब्स एनर्जी ठीक है, टोटल एनर्जी अवेलेबल ठीक है मैम हमारे इट इज द हाइड्रोकार्बन। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हाइड्रोकार्बन भी कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट ठीक है, सारे चैप्टर कराएंगे और आपको हर चैप्टर में एकदम अव्वल बनाएंगे। चलने दो, स्कूल में तो सबका अलग अलग ही चल रहा है। अवेलेबल इन ठीक है एनी सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क ठीक है इज कॉल्ड गिव्स एनर्जी। क्या बच्चा पार्टी को समझ में आ रहा है फ्री एनर्जी भी कहते हैं इसको, इससे क्या समझ रहे हो? बिल्कुल सही सबनम ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब परवीन मैम इसको आपको अपने अंदाज में समझाती हैं। एक बात बताओ, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन के क्या करोगे, पैसा कमाओगे? भी एग्री करते हैं, ऑफकोर्स पैसा कमाएंगे भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आफ्टरऑल पढ़ रहे हैं तो पैसा तो कमाएंगे ही। सपोज दैट हमने पढ़ लिख के 200 करोड़ रुपए कमा लिए ठीक है बच्चा पार्टी, कितने करोड़ रुपए कमाए हमने? 200 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन अब मेरा मन किया कि मैंने ये 200 करोड़ रुपए का कमा के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, तो मुझे इसमें से 200 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए दान कर देने चाहिए, और मैंने 1 करोड़ रुपए बच्चा पार्टी गरीबों में दान कर दिए। इतनी बात सबको समझ में आई? इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे जरा गिफ्ट एनर्जी को। तो बच्चा पार्टी हुआ क्यों कि खुद के फ्रीडम को बचाने के लिए जितनी एनर्जी की ठीक है एनर्जी की जरूरत है उसी को गिफ्ट एनर्जी करते कहते हैं। तो बच्चा पार्टी ये कैसे हुआ? एक बात बताओ, अगर मैंने 200 करोड़ रुपए कमाए, वो 200 करोड़ रुपए में पूरे दान कर दूं, तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? मेरा तो फ्रीडम खत्म हो जाएगा। 200 करोड़ में से ठीक है 10 करोड़ तो दान कर दिए, अच्छा ठीक है ओके। तो बच्चा पार्टी मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, फिर तो मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरा मूवी देखना बंद हो जाएगा, लाइफ का एंजॉयमेंट बंद हो जाएगा, मेरा फ्रीडम खत्म हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी हमने क्या किया, 100 करोड़ अपने पास बचा लिए और 100 करोड़ दान कर दिए ठीक है बच्चा पार्टी। तो हमने क्या किया, अपने फ्रीडम को भी बचाए रखा ठीक है बच्चा पार्टी। और जब हम अपने फ्रीडम को क्या करते हैं, बचाए रखते हैं ठीक है बच्चा पार्टी, कि खुद के फ्रीडम को बचाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि हमारे फ्रीडम को बचाने के लिए 100 करोड़ रिक्वायर्ड था, उसी को गिफ्ट फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी। और आप कभी भूलेंगे नहीं गिफ्ट फ्री एनर्जी इस एग्जांपल से? गुड। तो बच्चा पार्टी ये तो हो गई गिफ्ट फ्री एनर्जी, हमने समझ ली कि गिफ्ट फ्री एनर्जी होती क्या है आखिरकार।
तो बच्चा पार्टी, अब हमने पढ़ लिया गिफ्ट फ्री एनर्जी, लेकिन अब हम इसकी फॉर्मूले की बात करेंगे कि गिफ्ट फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चा पार्टी ये नहीं जानना चाहोगे अब गिफ्ट फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? यस मैम। तो बच्चा पार्टी चलिए अब हम इसका देखते हैं फॉर्मूला। तो बच्चा पार्टी, गिफ्ट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी इक्वल टू होता है एंथैल्पी के बराबर और माइनस, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये तो था गिफ्ट, लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है जो जानने वाला है अब, वो क्या है बच्चा पार्टी? ये जो जी है वो है गिफ्ट फ्री एनर्जी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट समझना जरूरी है। और ये गिफ्ट फ्री एनर्जी है किसी सिस्टम की, और ये जो एच है मेरे प्यारे बच्चों वो हीट कंटेंट है, ठीक है, किसका? ऑफ सिस्टम का, ठीक है। मम्मी ये तो एंथैल्पी, बेटा एंथैल्पी है ना, तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम बात तो वही हो गई, या तो हीट कह लो, है ना। और टी क्या हो गया बच्चा पार्टी? अब टी में कुछ लफड़ा है, अब टी में क्या लफड़ा है तो टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन बच्चा पार्टी ये टेम्परेचर है सराउंडिंग का, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब एस क्या है? तो बच्चा पार्टी जरा देखते हैं एस क्या है एंट्रोपी, और एंट्रोपी भी किसकी है बच्चा पार्टी? सिस्टम की। तो बच्चा पार्टी आपको यहाँ पे एक लफड़ा नहीं दिख रहा है? लफड़ा यहाँ पे ये है कि सारी चीज सिस्टम के लिए है और टेम्परेचर किसके लिए है? सराउंडिंग के लिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, बच्चा यहाँ फंसता है, क्वेश्चन गलती करता है क्वेश्चन को समझने में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे भी गिफ्ट एनर्जी में टेम्परेचर की बात हो रही है तो वो है सराउंडिंग के लिए, और सराउंडिंग ये तय करेगा, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर आएगा और कितना टेम्परेचर जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल माई डियर स्टूडेंट? यस मैम। गुड, ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? पहले मैम को ये बता दो। यस मैम। हमारा एक एक पॉइंट क्लियर होगा तभी हम एंट्रेंस क्वालिफाइड करेंगे। चलिए तो बच्चा पार्टी अब हम समझते हैं इसकी आगे की कहानी। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है बच्चा पार्टी की, टीएस। अब ये टीएस क्या है? तो बच्चा पार्टी एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मेंटेन, ठीक है, सिस्टम, है ना, फ्रीडम, जो सिस्टम के फ्रीडम को क्या करे, मेंटेन रखे, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है आपका टीएस। इज दैट क्लियर? यस मैम। बच्चा पार्टी अब मैं आपसे एक बात और कहूंगी, आप लोगों को नीट क्वालिफाइड करना है, क्या आप लोग दो रजिस्टर बना रहे हो? क्योंकि सॉफ्ट कॉपी नॉट अ इफेक्टिव फॉर एंट्रेंस। भाई सॉफ्ट कॉपी से हम हर टाइम नहीं पढ़ सकते, हमें सॉफ्ट कॉपी के अलावा क्या चाहिए? हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी, है ना। और हार्ड कॉपी कैसी चाहिए कि आज से एक रजिस्टर बनाओ अगर आपको एंट्रेंस क्वालिफाइड करना है, तो मैम की बात को मान के देखो, आपके सामने रिजल्ट होगा, क्योंकि मी ऑल्सो डॉक्टरेट, ठीक है, तो मुझे पता है कि डॉक्टर के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते, माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिप्पल एंड माय स्पेशलाइजेशन डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो परवीन मैम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही है, दो रजिस्टर बनाइए चैप्टर वाइज, उसमें एक रजिस्टर न्यूमेरिकल का होना चाहिए, जितने न्यूमेरिकल आपको यहाँ कराए, जितनी डीपीपी आपने सॉल्व की उन सबको उसमें लिखिए, और जितना भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ या पढ़ाऊंगी उनको पॉइंट टू पॉइंट उस रजिस्टर में नोट करो, ताकि जब आप 12th क्लास में आओगे, ठीक है, तो आपको 11th के कोई पॉइंट रिवाइज करने और एंट्रेंस के लिए तो आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपके पास एक सिस्टम हो, जो प्लानिंग करते हैं स्ट्रेटजी बना के रखते हैं वही आगे निकलते हैं। तो बच्चा पार्टी आप लोग ऐसा करेंगे? कितने बच्चे? मैंने कर भी रखा है, कर रखा है ना सबनम, दैट्स गुड। बाकी बच्चे करेंगे ऐसा? मैंने भी करेगा। हाँ, अगर आपका सिस्टम एक अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, मोहित, कार्तिक एंड अदर ऑल्सो, ठीक है। तो ये काम आपको आज से ही करना है, मैं जितने भी पॉइंट आपको हाथ से लिख रही हूँ वो सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं रजिस्टर में,
क्योंकि जो पॉइंट परवीन मैम हाथ से लिख रही है उन्हीं से क्वेश्चन आता है, ये मैं प्रूफ करूंगी अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब देखो, अब आपको निकालना है चेंज। तो बच्चा पार्टी चेंज के लिए आप क्या कर दोगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो आपको पता ही है जब आप चेंज निकालते हो तो डेल्टा लगा देते हो, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या आप इस बात से समझते हो? तो बच्चा पार्टी ये है आपका सिस्टम और ये भी है आपका सिस्टम, और बच्चा पार्टी टी क्या था? सराउंडिंग। सराउंडिंग, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और डेल्टा एस सिस्टम की एंट्रोपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गिब्स एनर्जी में? नो। अब बच्चा पार्टी, अब परवीन मैम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं। अब इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियसली क्राइटेरिया, या स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी कह लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस। व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस? रात और दिन अपने आप होते हैं, क्या ये स्पॉन्टेनियस? यस मैम, ऑल नेचुरल। बिल्कुल, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में जितना भी कुछ अपने आप होता है वो सब क्या है? सब क्या है? स्पॉन्टेनियस है बच्चा पार्टी, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आप खाना खुद से खाते हो क्या? अपने आप खाना आपके पेट में चला जाता है? स्कूल जाते हो, ड्रेस पहन के उठते हो, तैयार होते हो ना, नहाते हो, धोते हो। यस मैम। बच्चा पार्टी, जो प्रोसेस खुद से हो जाए वो स्पॉन्टेनियस है। आपको सडनली गुस्सा आ गया और आपने किसी को लगा दिया एक थप्पड़, स्पॉन्टेनियस था या नॉन स्पॉन्टेनियस था? मैम नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नहीं भाई, स्पॉन्टेनियस है, सडनली हुआ, आपकी कोई मनसा नहीं थी किसी को मारने की, गुस्सा तो हमने है ना, अंदर से गुस्सा आया और आपने एक लगा दिया, ठीक है, तो खुद से हो गया, मेरी कोई भाई मनसा नहीं थी मारने की, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे था टॉपिक की कहानी, अब समझते हैं आगे। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, जब भी स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया गिब्स एनर्जी के लिए निकालते हो तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू होता है डेल्टा एस सिस्टम और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है बच्चा पार्टी। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, गिब्स एनर्जी तो घोट के पी जाओ, और एंट्रोपी ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीट में इससे क्वेश्चन ना आए। और जो मैम लिख रही है ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, इन्हीं फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर इससे हटके क्वेश्चन आ जाए ना तो परवीन मैम से आके शिकायत करना, मैम आपने ऐसा कहा था और ऐसा हो गया, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं प्रूफ करूंगी इसको, लेकिन आज पढ़ा रही हूँ। अब बच्चा पार्टी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, जब भी डेल्टा एस टोटल आप गिफ्ट के लिए निकालते हो तो डेल्टा एस प्लस क्यू सराउंडिंग, ठीक है, एन टी सराउंडिंग भी होता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये अलग अलग कंडीशन है, हम इसे करेंगे। और Q सराउंडिंग बच्चा पार्टी इक्वल टू होता है माइनस Q सिस्टम हीट को अगर चेंज कर रहे हो तो डेल्टा H सिस्टम, क्योंकि हम जानते हैं भाई Q इक्वल टू किसके बराबर होता है? डेल्टा H के। डेल्टा H यहाँ नेगेटिव होगा। और बच्चा पार्टी, अगर आप डेल्टा H टोटल, ठीक है, किसके लिए रेस्पेक्ट में कर रहे हो? एंट्रोपी चेंज के, तो वो माइनस हो जाएगा डेल्टा H अपॉन T के। तो ये वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा पार्टी, हम ये भी तो कह सकते हैं कि टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, कह सकते हो ना पार्टी? तो हम ये भी कह सकते हैं टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है, इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी के, ठीक है। तो जब भी आप टी डेल्टा एस टोटल निकालोगे गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगी, जब भी आप एंथैल्पी के लिए टी डेल्टा एस निकालोगे तो एंथैल्पी नेगेटिव होगी, जब आप एंट्रोपी निकालोगे तो ये माइनस में होगी। ये माइनस और प्लस ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, कभी आपका क्वेश्चन लाइफ में गलत नहीं होगा। क्लियर टू ऑल? और जब आप गिब्स एनर्जी निकालोगे, ठीक है, क्या कह, हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा है मैम से? एनी प्रॉब्लम बच्चा पार्टी?
नो मैम बस बेटा ये पॉइंट डायरेक्ट ही याद रखने, और उनको याद भी मत करो, आप मत याद करो। परवीन मैम ना न्यूमेरिकल जब कराएंगी तो आपको अप्लाई करके दिखाएंगी और तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। अब देखो जब आप डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल कर दोगे, यानी कि अभी जो मैम ने फॉर्मूला लिखा उसका उल्टा कर दोगे। अब बच्चा पार्टी स्पॉन्टेनियस में क्या ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अगर स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। गिब्स एनर्जी में डेल्टा एस यानी कि स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है, डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है एंट्रोपी की वो पॉजिटिव होती है, और डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए वो नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव है तो बच्चा पार्टी नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगी, ये आप पढ़ के आए हो, नेगेटिव, जस्ट अपोजिट होगी। यस मैम, ठीक है बच्चा पार्टी। और बच्चा पार्टी फिर डेल्टा जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, पॉजिटिव। बस बच्चा पार्टी यही पॉइंट हैं जो मैम ने लिखे हैं आपके गिफ्ट एनर्जी में, इन पॉइंट को याद कर लो, जिंदगी में तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो तो ये थे पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो मैम ने क्या बताया रिपीट अगेन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, 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 राइट। और गिब्स एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बच्चा पार्टी डेल्टा एस टोटल होगा नेगेटिव और गिब्स एनर्जी होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो बस बच्चा पार्टी यही थी आज तक की कहानी, ठीक है। अब एक मिनट कोमल म्यूट कर दो बेटा खुद को प्लीज, अदरवाइज मैम को म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, पहले तो आप ये बताइए आज मेरे इस लेक्चर में बहुत सारे नए बच्चे थे, उनको कैसा लगा परवीन मैम से पढ़ के, अच्छा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा नए बच्चों का? कुछ बच्चे तो मेरे यहाँ पे पुराने हैं, क्या कोई प्रॉब्लम आई उनको मैम के साथ पढ़ने में? ऑलसम क्लास, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आई एम सो हैप्पी कि आपको अच्छा आया, समझ में आया। तो बच्चा पार्टी ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया है, लेकिन बस एक टॉपिक बचा है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो बहुत थोड़ा सा है, उससे क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो वो लास्ट टॉपिक मैम पढ़ा के अगले लेक्चर्स में पूरा न्यूमेरिकल कराएंगी, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े, एंट्रोपी चेंज, गिव फ्री एनर्जी, ठीक है, जितने भी अभी तक टॉपिक हमने पढ़े उससे मिक्स न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चा पार्टी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपकी क्लास 8 बजे से होती है, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, ताकि परवीन मैम को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए क्वेश्चंस कराने का, ठीक है। और मैम आपको ना अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी परचेज कर रही है, आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखा दिखा के प्रैक्टिकल करा करा के पढ़ाएंगी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप नेक्स्ट लेक्चर को टाइम से ज्वाइन करना, और मैंने अपना जिस नंबर से आपको मैसेज किया था उस नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। अभी मैम की क्लास है जस्ट कंटिन्यूअसली, तो मैम ज्यादा टॉक नहीं कर पाएंगी, लेक्चर नोट्स इस क्लास के बाद मैम आपको सेंड कर देंगी। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल, बाय बच्चा पार्टी, ओके मैम। अगले लेक्चर में तैयार रहना, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे हम, ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल करेंगे, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बेटा, बाय।